ये चार रोटी बापू के लिए और ये चार रोटी शालू के लिए। आज मंगल है ना, तो आज दोपहर तक उसे आना ही चाहिए। अब बस दो रोटी और बनानी है अपने लिए। शालू, शालू, क्यों गला फाड़ रही है शब्बो? तेरी आवाज के झरने की आवाज को काट के शहर पहुंच जाएगी। मैंने तो अपने कानों से शालू की आवाज सुनी, इसीलिए उससे मिलने भागी। प्यार में ऐसा ही होता है, पत्ता बिखर के तो महबूब की आहट मालूम होती है। नहीं रे, वो तो आज ही आने वाला था, आज मंगलवार है ना? मंगलवार तो है, लेकिन काम से शहर गया है, कहीं फंस गया होगा बेचारा। मुझसे भी कोई जरूरी काम हो सकता है। बहुत याद आ रही है शालू की। इतनी बेताबी क्या जो पल पल गिन रही हो? अगर शालू के बगैर रह नहीं सकती तो कह दे अपने बापू से कि तेरी शादी उससे कर दे, वरना और किसी के सर मर देगा तो फिर रहना उम्र भर रोती। देखी, तेरी माँ बुला रही है। मैं तो चलती हूँ बाबा, तू कर इंतजार। घराने में कहाँ घूम रही है मेरी जान? इसको ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शालू को। शालू, बड़ा बेवकूफ है ये शालू, जिसे तुम जैसे हीरे की जरा भी कदर नहीं। मनवारी, ए गुस्सा क्यों करती है गुलवदन? तेरी कदर तो हमारे जैसा जौहरी ही कर सकता है। अरे मेरे यार के दिल के लॉकेट से तो लग कर देख। तेरी ये मजाक कि तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? छोड़ कमीने, वरना निकी को बोल दूंगी। जा, बोल दे निकी को। निकी तो मेरी मुट्ठी में है, जो मैं कहूंगा वो वही मानेगी। छोड़, अपनी बात करना। छोड़ दे। मनवारी, शरीफ घर की बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हमसे बात कर रहे हो? और किससे? तेरी शिकायतें सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। लड़की घर जा। देखो चौधरी साहब, हम शेर हैं, खुले आम शिकार करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। बकवास बंद कर। लो बंद किया। और एक बात याद रख, आइंदा किसी लड़की को छेड़ा तो तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। ब्याह तो कर चुका सामने वाले गांव की ऊंची हवेली वालों के यहाँ, लेकिन दिल से शब्बो की टीस अभी तक नहीं गई। क्या बोला? कुछ नहीं, कली तो खिलकर फूल बन गई, लेकिन अफसोस है तुम्हारे दिल की बगिया में उसकी खुशबू अभी तक नहीं पहुंची। किसकी बात कर रहे हो? वही छोकरी शब्बो की। जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम इस गांव के सरपंच हैं, चौधरी हैं। तो क्या हुआ? कौन कहता है कि इस गांव के सरपंच या चौधरी की हवेली में आधी आधी रात को छोकरियां घूंघट निकाल कर क्या नहीं आती? चुप कर बनवारी, चुप कर। भूल गया मेरे एहसान? आज तेरा सारा खानदान मेरे एहसान से इस बस्ती में बसा हुआ है। भूल गया वो जमीन का केस, वो कर्ज? जा बुला इसके बाप तोलाराम को, उससे पूछता हूँ। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए चौधरी साहब, हमसे गलती हो गई। क्यों पंगा लेते हो यार, चलना। यही चाहिए, यही चाहिए। ये लो, ये लो। अब दिखाओ, अब निकालो दो रुपए। चल तू भी, दो रुपए में क्या याद रखेगा। चल अब बीड़ी निकाल। अरे ले यार, नशे वाली बीड़ी है, मारकश। अरे मुरली, पतली कोहल में मेला लगा है, नाचने वाली भी आएगी, देखने चलेगा? अरे मुरली, नाचने वाली के लिए तो किधर भी चलेगा। जहन्नुम में भी साथ चले जाना इन बदमाशों के साथ। तुझे कितने बार बोल चुका हूँ कि इन आवारों के साथ गली के नुक्कड़ पर बैठ के जुआ शराब मत खेला कर। अबे गधे की तुम, तू चौधरी खानदान का चिराग है, अपनी कुछ तो इज्जत रखा कर। अरे वही तो मैं इन लोगों को बोलता हूँ, साले कुत्ते की तुम मुझे खेलने के लिए बिठा लेते हैं। अरे मैं चौधरी खानदान का हूँ, मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं है? साले साला चौधरी की तुम, करता सब कुछ खुद है और गालियां हमें पड़ती हैं। आइंदा इसे बैठने नहीं देना यहाँ। जुआ खेलता है चौधराइन? ओ चौधराइन, संभाल अपने लाडले को। फिर बैठा था गली के मोड़ पर आवारा लड़कों के साथ, ताश बीड़ी, ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है? बच्चा है जी, आप तो जानते हैं इसकी दिमागी हालत, फिर क्यों खाम खा इसके पीछे पड़े रहते हैं? चुप रहे,
बड़ी आई है हिमायत करने वाली, थोड़ी और आवाज ऊंची की तो तेरे बाप के घर वापस भेज दूंगा। बड़ी आई है ठेकेदार की बेटी। मुरली मारा, मुझे रास्ते में छाटो मारा। कोई बात नहीं मुरली, बड़े है ना, उनका हक है। मेरी तरफ देख, मैं क्या क्या बर्दाश्त करती हूँ। चोर! अरे क्या कर रही तू, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तेरी जान इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, बड़ी ढीठ है। क्या बकबक कर रही है? तू ही तो मुझे अपनी जान कहता है, तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगी? बदमाश कहेगी। केदारनाथ जी, चौधरी साहब जी ने कहा है आज सारी किताबें तैयार हो जानी चाहिए, कल सरकारी अफसर आ रहे हैं। कर दूंगा गोपू, कर दूंगा, चाहे सारी रात क्यों ना बैठना पड़े। बहुत अच्छा। आज भी नहीं आया, अब तेरे हिस्से की चार रोटियां कौन खाएगा? आ जाने दो, दो चार दिन भूखा नहीं रखा तो मेरा नाम भी शब्द नहीं। जल्दी क्या है बापू, आराम से खाओ। अरे बेटा बहुत सारा काम पड़ा है, मैं खाने में लग गया तो काम कौन करेगा। अरे ये क्या, तेरा पेट भर गया एक ही रोटी में? अरे बापू तुम्हें क्या मालूम, एक एक करके 10 खा जाती हूँ। है तो वही सूखी सलाई सी, बाकी तेरे पेट में इतना गहरा कुआं है ये मुझे नहीं मालूम। अरे बापू तुम्हें काम नहीं करने, कितनी आराम से खा रहे हो, चलो चलो। मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया हूँ और तू मुझसे बात भी नहीं करेगी। तू मंगल को आने वाला था ना? हाँ तो? तो आज मंगल है? नहीं आज तो बुध है, तो क्या हो गया, एक ही दिन तो ज्यादा हुआ। एक ही दिन नहीं, एक पूरा दिन, जिसमें गई एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और मीलों लंबी रात। अच्छा अब मान जाना। देख अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कान पकड़ता हूँ बस। देख देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ, ये देख कितना अच्छा लग रहा है। इसी दुपट्टे का फंदा बनाकर मेरी गले में डाल दो, ऐसी जुदाई से तो मरना अच्छा।
मजबूर तुम लाचार हम बस आहे भरा करते थे तुमको ही मांगा करते थे हो तुमको ही मांगा करते थे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे छुप छुप के रोया करते थे चल तू पत्ते बांट यार मैं कितनी देर से खड़ा हूँ तुम लोग मुझे बुलाते क्यों नहीं मेरे भी पत्ते बांटो हमें नहीं बांटने तेरे पत्ते क्यों तू तो हवेली का चिराग है ना जा जाके हवेली में रोशनी कर बड़ा आया इज्जत वाला अरे नहीं यार वो तो भैया के सामने बोलने वाली बात थी अब देखो वरना उगर जाके मारता है ना अब तुम तो जानते हो मेरी दोस्ती यारी तो तुम लोगों से है मेरे भी पत्ते बांटो चल बीड़ी पिला ए निकी, तुझे क्या हो गया हाथ मत लगा मुझे अगर मुझे छुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी तेरे प्यार में तो पहले ही मरे पड़े हैं मरे हुए को क्या मारूंगी रानी ये जली बिसी बातें बंद कर मेरे रहते किसी पराई लड़की से आंख मटका करते हुए तुझे शर्म नहीं आती वो भी मेरी सहेली शब्बो से ओ तो इसलिए खफा मेरी जान छोड़ मुझे बात मत बढ़ा निकी तेरी सहेली थी इसलिए छोड़ दिया वरना ठीक कर देता जब देखो मेरे आगे पीछे राह चलना मुश्किल कर दिया झूठ बोलता है सच कहूंगा तो यकीन नहीं आएगा मैं तो अपने काम से जा रहा था तो मेरा रास्ता रुक लिया पीछे मुड़ के जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया उतने में चौधरी आ गया उसे देखकर चलाने लग गई ये सब झूठ है
शब्बो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो ये जानती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तू भी औरत है, पर माफ करना, औरत के चरित्र को तो भगवान भी ना समझ पाए। वो शब्बो बड़ी चालू चीज है, एक तरफ शालू पे डोरे डाल रही है और दूसरी तरफ मुझे फंसाना चाहती है। सच सच, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं एक निक्की नाम की मकड़ी के जाल में पहले ही फंसा हुआ हूँ। चल मुहे, ना रास्ता देखता है ना बाजार, जब देखो सर पर एक ही भूत सवार है। मुझे तो उस बेचारे शालू पर तरस आता है। शालू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शब्बो के बारे में। शब्बो के बारे में? हाँ शालू, तू शब्बो से नाता तोड़ ले, वो तेरे लायक नहीं। ए, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। शब्बो आजकल बनवारी पर डोरे डाल रही है। ए, क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ। तूने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, बनवारी ने बोला है। क्या कहा? मैं बनवारी पर डोरे डाल रही हूँ? हाँ कहा, और किसी और ने नहीं कहा, तुम्हारी सहेली ने कहा। क्या नाम है उसका? निकी। निकी, निकी को तो मैं देख लूंगी, पहले तू तो बता, यही है तेरा प्यार? मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। यकीन नहीं है? नहीं है। तो फिर जा, मैं नहीं करती तुझसे बात। अब क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे तेरे पागलपन पर। कौन से पागलपन पर? जो मुझे निकी ने कहा वो मैंने तुझसे आके कह दिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। हा? हा? कौन नहीं जानता बनवारी को, अरे सारे गांव में बदनाम है वो। अभी मेरी जान, अगर ये बात मुझे किसी और ने भी कही होती तो भी मैं उसकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी शब्बों पे पूरा भरोसा है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए शब्बो, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। यस। चौधरी साहब, इस दफा हमें 200 ट्रक सेब भेज दीजिएगा, आपके सेब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठेकेदार साहब, 200 ट्रक क्या, आप 1000 ट्रक ले जाइए, इस साल सेब की पैदावार गजब की रही है। शुक्र है मालिक का। अरे खाने को कुछ नहीं? गोपू जी, बहुरानी जी से कुछ चिलगोजे वगैरह लाओ। जी चौधरी साहब, अभी लाए। जल्दी। हाँ तो ठेकेदार साहब। मालकिन, चौधरी साहब ने चिलगोजे और काजू मंगाए। चौधरी साहब से कहो 2 मिनट के लिए भीतर आए। बहुत अच्छा मालकिन। मैं 2 मिनट में हाजिर हुआ। हाजिर। तुम्हारी ये हिम्मत के सजी हुई महफिल से हमें बुलवाओ। देखिए क्या वक्त हुआ है। हम वक्त के गुलाम नहीं, वक्त हमारा गुलाम है। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, दिन के 24 घंटों में से क्या मेरे लिए इतना सा भी वक्त नहीं? तुम्हारा वक्त कभी था, अब नहीं। मतलब? मर्द की नजरों में औरत का वक्त तब तक ही होता है जब तक उसका उससे दिल लगा रहे। अब तुम्हारा वक्त बीत चुका है। वक्त की क्या बात है चौधरी साहब, वक्त सिर्फ औरत का ही नहीं, एक दिन मर्द का भी बीत जाता है। चौधराइन, तुम्हारे चीखने से मेरी आवाज तो खामोश हो सकती है, पर कितनी कड़वी लगी ना बात, एक कांटे की तरह, एक शूल की तरह तड़प उठे ना। मैंने तो एक बार ही कही है ऐसी बात, पर तुम 1000 बार कहते रहे हो पिछले 10 सालों से। कितने कांटे, कितने शूल चुभोए हैं तुमने, कितने नश्तर, कितने जख्म दिए हैं तुमने, फिर भी हमने आपका मान रखा है चौधरी साहब। सर पे चौधराइन का आंचल लिए सिर्फ पूछती रही, क्या कर सकती हूँ आपके लिए और क्या नहीं किया आपके लिए। एक बच्चा तो जन्न सके हमारे लिए। धरती क्या कुछ नहीं उपज सकती अपनी कोक से, पर उसके अंदर अगर बीज ही ना। चौधराइन, कहना क्या चाहती कि मैं? ना चौधरी साहब ना, मर्द और आसमान में कभी दोष नहीं होता, वो तो हमेशा सर के ऊपर ही रहते हैं। पिसती तो रहती है औरत और जमीन, एक कोने में, एक टांग पर, सारी उम्र खड़े खड़े सिमट भी जाए तो उसमें 100 कसूर, और मर्द और आसमान 100 जगह से फटकर दर दर बिखर भी जाए तो भी बेकसूर। बस बस, ये नाम तो उंगलियों पर ही खत्म हो जाते हैं, और मर्द की बेवफाई की कहानियां तो सैकड़ों हैं। ए, ये कहानियां वहानियां सच्ची थोड़ी होती हैं। क्यों नहीं होती, जो मेरी माँ कहानियां सुनाती थी वो क्या सच्ची नहीं थी? जैसे? जैसे वो शहजादा शहजादी की कहानी। शहजादा शहजादी की? तुझे नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। एक शहजादा था और एक शहजादी थी,
शहजादा शहजादी को बेहद प्यार करता था। मेरी तरह ना? बीच में मत बोल, बस हुंकारा भरता जा। अच्छा फिर क्या हुआ? लेकिन शहजादी मर्द जात पर भरोसा नहीं करती थी। उसको लगता कि औरत के प्यार में जो कशिश और वफादारी है वो मर्द के प्यार में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पूरी कहानी तो सुन। अच्छा अच्छा बोल। शहजादी अपनी बात को आजमाने के लिए शहजादे को एक रोज अपने बगीचे में ले गई। अच्छा। पास में एक पेड़ था। हाँ। उस पर एक घोंसला था। हाँ। घोंसले में एक चिड़ा और चिड़ी रहते थे। अच्छा। वहाँ पे उनके अंडे थे। हाँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अच्छा। ये देखकर शहजादा मुस्कुराने लगा। अच्छा। इतने में शहजादी आँख उठाकर कुछ इशारे करने लगी। फिर? देखते ही देखते पेड़ को आग के लपटों ने घेर लिया। आग के लपटों ने? फिर क्या हुआ? जान बचाने के लिए चिड़ा उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। उसे न अंडों की चिंता थी न चिड़िया की। लेकिन बेचारी चिड़िया क्या करती, वो अपने अंडों को कैसे छोड़ती। आखिर तक वो वहीं बैठी रही और चीची करती आग की लपटों में जल मरी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ऐसे ही बुरे होते हैं सब मर्द इस चिड़े की तरह, और सभी औरतें अच्छी होती हैं इस चिड़िया की तरह। शब्बो, क्या तू मुझे इस चिड़े की तरह मतलब ही समझती है? तू क्या समझती है कि मैं तुझे मुसीबत में छोड़कर मुंह मोड़ लूंगा? शब्बो, इन आंखों में देख, क्या तुझे इनमें फरेब और खुदगर्जी नजर आती है? हाँ? नहीं। शब्बो, यकीन रख, कभी अगर हमारे घोंसले में आग लगी ना, तो सबसे पहले तेरा शालू जलेगा। शब्बो, सबसे पहले तेरा शालू जलेगा। शालू, कई बार मैंने तुम्हें इशारे से समझाया है, तुम्हारा बनवारी मेरी लड़की को छेड़ता है। आज भी पतंग लूटने के बहाने वो मेरी अटारिया में आ गया। मैंने तुम्हारा लिहाज किया लाला, नहीं तो आज वो बचकर नहीं जा सकता था। माफ करना भैया। बनवारी, बनवारी, अबे उल्लू का बटे सामने आ, आज मैं तेरी जवानी बाहर निकाल के रहूंगा। क्या हुआ, क्यों पड़े हो मेरे बच्चे के पीछे? तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। आज गांव भर की लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया सुअर की औलाद ने। क्यों अपने आप को गालियां दिए जा रहे हो? चलो लस्सी पी लो। लस्सी पी लो, मैं जो कह रहा हूँ उसका कोई असर ही नहीं। यही तो बात है तुम औरतों की, कि औरत को औरत की आबरू प्यारी नहीं। आज अगर तुम्हारी लड़की होती तब तुम्हें पता चलता, कह उसे बाहर निकले, आज मैं उसका सर फोड़ के रहूंगा। देखो जी बनवारी के बापू, जवान लड़के पे हाथ उठाना ठीक नहीं, कहीं पलटकर उसने हाथ उठा दिया तो। हाँ, ये भी ठीक है। मैं तो कहती हूँ लड़के का ब्याह करके एक खूटे से बांध दो, करता रहेगा एक ठिकाने खड़ा जुगाली। देखो जी, आप तो बनवारी की उम्र में बाप भी बन गए थे। अच्छा अच्छा, मैं उसकी शादी किए रहता हूँ। चक्की वाले भी कब से पीछे पड़े हैं, और लड़की भी अच्छी है, और उससे बढ़कर उसका खानदान। बापू से कह दो माँ, मैं कोई चक्की वक्की वालों की लड़की के साथ ब्याह नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी खूंटे से बांधना ही है तो केदारनाथ का घर देख, ब्याह करूंगा तो उसकी बेटी शब्बो के साथ। क्या, हमारे घर में फकीरों की लड़की आएगी? हरगिज़ नहीं। तो सुन लो बापू, अगर शब्बो से मेरा रिश्ता तय नहीं किया गया तो मैं सारी उम्र कुंवारा रहूंगा, तो फिर ना कहना कुछ ऊंच नीच हो गई। कुंवारे मर्द और बाढ़ के पानी को रोकना किसी के बस की बात नहीं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो जी, जाओ ना केदारनाथ के घर, मांग लाओ ना शब्बो का रिश्ता मेरे बनवारी के लिए, जाओ ना। दिन तो ढलने थे, अभी जाऊंगा तो चालो देखेंगे कि शेर तोलाराम फकीरों के घर में रिश्ता मांगने जा रहा है अपने इकलौते बेटे के लिए। दिन ढले जाऊंगा। केदारनाथ जी। अरे सेठ तोलाराम जी, आप ये आपके चरणों की धूल आज यहाँ कैसे पड़ी? बस भाई, तुम्हें से काम था। सरकार मुझे याद कर लिया होता, आपने को तकलीफ की। यहाँ बिराजिए, बिराजिए कुर्सी पे। अरे शब्बो बेटा। हाँ बापू। ये देख कौन आए हमारे यहाँ, सेठ तोलाराम जी आए हैं, चाय का प्रबंध करो। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय रहने दो। भाई केदारनाथ, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के ब्याह के लिए बड़े परेशान रहते हो। लाला, कौन बाप परेशान नहीं होगा, बेटी दिन ब दिन जवान होती जा रही है,
और हैसियत दिन ब दिन टूटती जा रही है। जहां भी ब्याह की बात चलाता हूं, दहेज का राक्षस मुंह फाड़े खड़ा रहता है। जानता हूं भी जानता हूं, इसीलिए तो आज मेरे दिल ने कहा, भाई तोलाराम, तुमने जिंदगी भर गरीबों का भला किया है, आज एक पुण्य का काम और कर डाल, एक गरीब की बेटी को पार लगा दे। लाला जी, मैं जिंदगी भर आपके पैर धो धो कर पीऊंगा, अगर ये बात आपकी सच हो गई तो। समझ ले कि सच हो गई, बस दरवाजे पर बारात आने की देर है। लाला जी, लाला जी, लड़का किस घर का है? सुनेगा तो होश उड़ जाएंगे तेरे, दिल को दोनों हाथों से थाम के रख। किसी बहुत बड़े घर का लड़का है लाला? केदारनाथ, इस गांव में सबसे बड़ा घर या तो चौधरी साहब का है या मेरा। चौधरी साहब के यहाँ तो बस एक मुरली पागल कवारा है, मगर मेरे यहाँ मेरा इकलौता बेटा कवारा है, ताका बनवारी। क्या? आपका बनवारी मेरी शब्बों के लिए? उड़ गया ना होश, मैंने कहा था ना अपने दिल को दोनों हाथों से थाम के रखना। दिल की बात को छोड़ो लाला, मेरे तो दोनों हाथों के तोते उड़ गए। तोते, तुमने कुछ भी सोचा होगा, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। मतलब कि तू इनकार कर रहा है? सेठ तोला राम के घर से आए रिश्ते को ठुकरा रहा? अरे अपनी औकात तो समझ के बात कर, तेरी भलाई के चक्कर में मैंने अपनी पगड़ी तक का ख्याल नहीं किया। मैं तेरी पगड़ी की बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरे बदमाश और आवारा बेटे के साथ अपनी भोली भाली बेटी का नसीब बांधूं। ना लाला ना, सारा गांव जानता है कि तेरा बेटा निहायत कमीना और घटिया है। क्या हरकतें करता है वो, उसकी चर्चा घर घर में होती है, तो मैं कैसे आंखों में पट्टी बांध लूं? तो सड़ा अपनी लाडली बेटी को इस नरक में, मेरे राजकुमार जैसे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, समझा? लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा केदारनाथ, कि सर नवाकर तेरी चौखट पर रिश्ता लेकर आया था। याद रखना केदारनाथ, ये ठोकर तूने मेरे रिश्ते पर नहीं, मेरी इज्जत पर मारी। मैं मजबूर हूँ लाला, मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा हो बापू, आपने इस रिश्ते को ठुकरा दिया, वरना मैं जीते जी मर जाती। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, मैंने एक दिन ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को मुंह दिखाना है, जवाब देना है उसको। बापू मेरी बच्ची।